अब रेडियो एक्टिव से कहीं की एज भी निकाली जाती है, कोई भी एंशंट रॉक का मटेरियल मिला तो उसकी आप एज वेज निकाल लेंगे इससे, ठीक है? तो वो कैसे करते हैं, उस पर बेस प्रॉब्लम है कि नंबर ऑफ U238 एटम्स इन एन एंशंट रॉक इक्वल्स द नंबर ऑफ लेड एटम्स। कोई एंशंट रॉक मिली है किसी को, उसमें जितना U238 के एटम्स हैं उतने ही लेड के भी एटम्स हैं। हाफ लाइफ आपको दे रखी है यूरेनियम 238 की, दैट इज 4.5 × 10⁻⁹ ईयर्स। एस्टिमेट द एज ऑफ द रॉक अज्यूमिंग दैट ऑल द लेड एटम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिके ऑफ U238। तो पहले U38 किसी तरह से रॉक में कंपनसेट होता रहता हो, ठीक है ना? तो फिर वो कह रहा है कि ये डिके हुआ तो सारा की सारा जितना उसके अंदर है, ये क्या है, Pb206, ठीक है? ये दो पे रखे, वहां रखे साहब, हाँ उसके पीछे रखे। आपका यहाँ से इसमें जा रहा है लेड में, ठीक है? एस्टिमेट द एज ऑफ द रॉक अज्यूमिंग दैट ऑल द लेड एटम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिके ऑफ U238। तो ये जितना भी बनेगा सारा की सारा किससे आएगा, इससे आएगा, ठीक है? तो इन दोनों के नंबर ऑफ एटम बराबर है अब जब हो रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? मान लो शुरू में N0 हुआ होगा, फिर ये X बन गया होगा, ठीक है? तो ये कितना बचा होगा, ये बचा होगा N0 - X, और ये X बन गया हो, बताइए। क्लियर है आपको? इसने कुछ नहीं कहा कि 102 बनेंगे तो हम 1 से 1 मानेंगे और क्या करेंगे, ठीक है ना? इसने कुछ कहा नहीं हमको कि 1 से कैसे बनते, तो बस ये मानेंगे ये इसमें कन्वर्ट होता है, तो अगर इसके एक्स एंड न्यूक्लियाई खत्म हो गए तो इसके एक्स न्यूक्लियाई बन गए। इससे ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं हमारे, ठीक है? हाफ लाइफ भी दे रखी है इसकी। तो पूछ रहा है एस्टिमेट द एज ऑफ द रॉक, तो रॉक की एज कितनी होगी? तो अभी कह रहा है दोनों बराबर हैं, तो कर दो बराबर इसमें, ठीक है? टी इक्वल टू 0 पर वो होगा फिर उससे सारा, क्योंकि ये बोल रहा है यहीं से बन के आ रहा है और कोई सोर्स नहीं है इसका, ठीक है? अब ये दोनों बराबर पे आ गए, शुरू में हो रहा होगा, अब दोनों बराबर पे आ गए, ठीक है? फिर ये सब माना गया है कि कहीं से कंपनसेट नहीं हो सकता है, ठीक है? तो कितना आ जाएगा, X = N0/2 आ गया होगा, ठीक है ना? X = N0/2 आ गया होगा इस तरह से, ठीक है? 2X X = N0/2। तो इसका मतलब क्या है कि ये कितने टाइम में आधा डिसोशिएट हो जाएगा, उतनी एज हो जाएगी, ठीक है ना? कितने टाइम में ये आधा डिसोशिएट हो जाएगा वो उसकी एज निकल जाएगी। तो कितने टाइम में आधा डिसोशिएट होता है वही दे तो रखा है, 4.5 × 10⁻¹ ईयर्स। बताइए आर्नो, क्लियर है क्या आपको ये चीज? यस सर। तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा इसका, 4.5 × 10⁻¹ ईयर्स हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है सबको? एक ये और प्रॉब्लम है कि 10 ग्राम ऑफ 57CO कैप्ट इन एन ओपन कंटेनर बीटा डिकेज विद हाफ लाइफ ऑफ 270 डेज। वेट ऑफ द मटेरियल इनसाइड द कंटेनर आफ्टर 540 डेज विल बी वेरी नियरली, बीटा डिकेज हो जाता है, ठीक है ना? वेट ऑफ द मटेरियल इनसाइड कंटेनर आफ्टर 540 डेज विल बी वेरी नियरली। तो इसमें क्या बोलेंगे आप? 270 डेज उसकी हाफ लाइफ है, बीटा डिके हो रहा है क्योंकि क्या कह रहे हो? सर वेट तो सेम ही रहना चाहिए ना, बीटा डिके हो रहा है इसमें तो। तो बीटा डिके में वेट चेंज नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन का तो नेग्लिजिबल होता है ना, मतलब मास तो। हाँ बस यही बात है इसमें, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है बेटा, ठीक है ना? तो आप कितना ही कम कर दोगे तो सैंपल ऑलमोस्ट कितना भी बोल दो आप, ठीक है ना, कितना भी बोल दो, बीटा डिकेज में जो मास है वो क्या रहेगा, ऑलमोस्ट अनचेंज ही रहेगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस के जो भी कंटेंट है, और देखो कितना ज्यादा, 57 CO, ठीक है ना? तो एक प्रोटोन एक न्यूट्रॉन ही बहुत कई गुना हो जाता है इलेक्ट्रॉन के मास का, ठीक है? तो ये तो बहुत ही ज्यादा होगा। तो क्या बोलेंगे इसमें कि आपका जो मास है वो क्या रह जाएगा, अनचेंज रह जाएगा, ठीक है? तो 55 40 डेज बाद भी कितना रहेगा, वो 10 ग्राम रहेगा 540 डेज बाद, 540 डेज बाद भी कितना रहेगा, 10 ग्राम रहेगा, ठीक है? क्योंकि जो न्यूक्लियस बन रहा है इसके डिसोशिएट होने के बाद, उसमें से केवल इलेक्ट्रॉन ही तो माइनस कर रहे हो, बाकी तो पूरा है ना वो, ठीक है?
बाकी तो पूरा है वो, तो इसलिए उसका मास क्या रहेगा, ऑलमोस्ट अनचेंज रहेगा। क्लियर है सबको ये बात? दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें, इन टू प्रॉब्लम्स में? तो 57 सी ओ वाई में चला गया, सो ओनली डिफरेंस इन मास इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑलमोस्ट रिमेन्स अनचेंज। तो आंसर कितना हो जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड।